इसमें है माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउसेस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया है टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, सेल का पावर हाउस बोलते हैं. क्योंकि सेल में जो एनर्जी होती है, बॉडी में जो एनर्जी होती है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है. स्टोर कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंदर स्टोर होती है. तो इसीलिए बोल देते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ही सेल का पावर हाउस है. और माइटोकॉन्ड्रिया में दो तरीके की मेम्ब्रेन कवरिंग्स होती है, मतलब एक कवरिंग होती है और उस कवरिंग के बाहर एक और एक्सटर्नल कवरिंग होती है, तो दो तरीके की कवरिंग होती है. उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड. तो आउटर मेम्ब्रेन तो पोरस होता है, मतलब उसमें छोटे 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 पोर्स होते हैं, और जो इनर मेम्ब्रेन होता है दैट इज डीपली फोल्डेड, मतलब अंदर की तरफ वो जो है थोड़ा 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 मुड़ा हुआ होता है. दीज फोल्ड्स इंक्रीज सर्फेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस. वो जो फोल्ड्स होते हैं जो वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, वो जो फोल्ड्स होते हैं उससे क्या होता है कि एटीपी बनाने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसके लिए सर्फेस एरिया बढ़ जाता है. जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एक टॉवल का एग्जाम्पल लेकर बताया था कि उसमें थ्रेड्स निकले रहते हैं बहुत सारे, तो वो जो छोटे 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 थ्रेड्स निकले रहते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि उस टॉवल का सर्फेस एरिया बढ़ जाता है. सर्फेस एरिया बढ़ जाता है तो एब्जॉर्ब करने की पावर बढ़ जाती है, ये होता है. थर्ड है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिड्यूस्ड बाई माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. तो माइटोकॉन्ड्रिया को हमने बोल दिया पावर हाउस ऑफ द सेल. तो पावर हाउस है तो इसका मतलब वो वहाँ से अपने मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी रिलीज करेगा. तो जो एनर्जी रिलीज करता है वो किसी फॉर्म में रिलीज करेगा, तो एटीपी की फॉर्म में रिलीज करता है. तो इसीलिए एटीपी को क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. मतलब सेल को जो एनर्जी चाहिए वो एटीपी की फॉर्म में मिलती है. हम ये कहते हैं ना कि हम बड़े रिच हैं, है ना, थोड़ा पैसा है हमारे पास, बहुत सारा पैसा है. तो वो पैसा किस फॉर्म में है, वो रुपीज़ की फॉर्म में है, वो पैसा जो है वो डॉलर्स की फॉर्म में है, या वो पैसा किसी और करेंसी की फॉर्म में है. तो इसी तरीके से हम ये कह रहे हैं बड़ी एनर्जी है हमारे अंदर, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में है, वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में है. ठीक है, उस एटीपी को माइटोकॉन्ड्रिया धीरे धीरे थोड़ा 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 जब जब जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उतना उतना रिलीज करता है. ठीक है, इसीलिए एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ठीक. इसके बाद फोर्थ है, द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क. तो बॉडी जो है ये जो एनर्जी होती है ना जो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, इसको नए नए केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए और मैकेनिकल वर्क. मैकेनिकल वर्क का मतलब ये नहीं है कि हम बैठकर कोई गाड़ी या कोई इंजन खोल रहे हैं बैठकर. ठीक है, वो नहीं मैकेनिकल वर्क. मैकेनिकल वर्क मतलब कोई भी ऐसा वर्क जिसमें फिजिकल मूवमेंट होता है, जैसे हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसको हम मैकेनिकल वर्क बोलते हैं. ठीक है, द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स. तो बॉडी में कुछ नए केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए और मैकेनिकल वर्क करने के लिए जितनी भी ये एनर्जी है वो यूज होती है. अगला देखिएगा, अगला है, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स मतलब अलग तरीके के ऑर्गेनेल्स बोला जाता है, क्योंकि उनका खुद के ही राइबोसोम होते हैं और खुद का ही उनका डीएनए भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया. Therefore, mitochondria are able to make some of their own proteins. इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया कुछ प्रोटीन्स अपने खुद के खुद ही बना लेता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसलिए उसको हम स्ट्रेंज ऑर्गेनेल भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ पूछी जाती है कि माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेंज ऑर्गेनेल भी बोला जाता है. स्ट्रेंज ऑर्गेनेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनके खुद के ही राइबोसोम होते हैं, खुद का डीएनए भी होता है, और जब खुद के राइबोसोम और खुद के डीएनए होते हैं तो वो क्या कर पाते हैं, वो अपने खुद के ही कुछ प्रोटीन्स खुद से बना भी पाते हैं, ये होता है. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया फोर्थ था. फोर्थ के बाद हमारा फिफ्थ जो ऑर्गेनेल है ये है प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स में देखिए, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स. तो पहली चीज़ तो ये है कि प्लास्टिड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही मौजूद होते हैं और कहीं पर नहीं होते. देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट्स कलर्ड प्लास्टिड्स एंड ल्यूकोप्लास्ट्स वाइट और कलर्डस प्लास्टिड्स. तो दो तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं,
भी बताऊंगा। क्रोमोप्लास्ट इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट्स, और ल्यूकोप्लास्ट इसको बोलते हैं वाइट और कलरलेस प्लास्ट्स। उसके बाद देखिएगा क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं, हमने कहा दो तरीके के प्लास्टिड्स जो है वो कहाँ मिलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मिलेंगे, एनिमल सेल में नहीं मिलेंगे। अब जो प्लास्टिड्स होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। अब जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट होता है कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, मतलब वो वाले प्लास्टिड्स जिनका कुछ ना कुछ कलर होता है उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट या तो व्हाइट कलर के होते हैं या फिर कलरलेस होते हैं ये प्लास्टिड्स, ठीक है। अब देखिएगा कि जब अगर मैं कलर्ड प्लास्टिड्स की बात कर रहा हूँ, तो अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट इसमें मिक्सड है, यानी कि अगर इसके अंदर क्लोरोफिल मिक्सड है, तो इसी ऐसे क्रोमोप्लास्ट को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो वो क्रोमोप्लास्ट जिसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद है, उस क्रोमोप्लास्ट को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। देखिएगा आप नेक्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल। जो क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद होता है, वैसे उस क्रोमोप्लास्ट को हम क्लोरोप्लास्ट भी बोल देते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो मतलब क्लोरोफिल से आया क्लोरो। तो क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। तो हमने ये कहा कि क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर्ड पिगमेंट उसके अंदर मौजूद होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं, उसको हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। तो क्या क्रोमोप्लास्ट जो है उसके अंदर कौन कौन से कलर होंगे? अभी ये कहेंगे कलर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं क्लोरोफिल की बात करूँ, अगर वो सिर्फ क्लोरोफिल कंटेन कर रहा है अपने अंदर, तो क्लोरोफिल का मतलब क्या हो गया कि ऐसे क्रोमोप्लास्ट को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और फिर उस क्लोरोप्लास्ट में अब ये कहेंगे कि उसमें कुछ येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी मिक्स्ड होते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, इस कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, तो उसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ऐसा क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल मौजूद हो, तो उसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में जरूरी नहीं है सिर्फ उसके अंदर ग्रीन कलर ही होता है, येलो और ऑरेंज भी होता है। अब देखिएगा ऑल्सो कंटेन्स येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में हम होते हैं बहुत सारे कलर होते हैं, रेड कलर भी होता है, जो एप्पल का कलर होता है। अगर एप्पल को मैं बोलूँगा कि रेड कलर होता है, तो वो किस वजह से होता है? वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होता है, ठीक है ना। और ये जो येलो और ऑरेंज है, तो येलो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैंगोज होते हैं येलो कलर के होते हैं, ठीक है। ऑरेंज कलर के तो संतरे वगैरह होते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट की। अब क्योंकि हम प्लांट सेल की ही बात कर रहे हैं, तो जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरीली ऑर्गेनेल्स इन विच मटीरियल सच एज स्टार्च ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो हैं वो कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनमें स्टार्च ऑयल्स और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, जिसके अंदर स्टार्च ऑयल्स और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स वो स्टोर होते हैं, उनको हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर क्या क्या मिलेगा? स्टार्च, प्रोटीन, स्टार्च ऑयल, स्टार्च एंड प्रोटीन, ऑयल, स्टार्च और प्रोटीन मिलता है, ये कहलाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा जी,
अब बात करते हैं द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा. इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट का अंदर का ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा. इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स, उसमें क्या होती है, पतली 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 बहुत सारी लेयर्स होती है. एम्बेडेड इन अ मटीरियल कॉल्ड स्ट्रोमा, और वो जो बहुत सारी पतली 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 लेयर्स होती हैं वो एक जगह एम्बेडेड होती है, यानी कि एक जगह फिक्स होती है, और जिस जगह वो फिक्स होती है उस पोर्शन को बोल देते हैं स्ट्रोमा, STROMA, स्ट्रोमा. क्लियर, ठीक है. तो आप देख लीजिए कि अभी तक जो इसमें हमने चार पॉइंट्स करें, तो पहला पॉइंट तो ये है कि प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, सिर्फ प्लांट सेल में होगा. प्लास्टिड्स जो है, तो प्लास्टिड्स दो तरीके के होते हैं. एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट मतलब जिसमें कलर्ड पिगमेंट होगा, कलर्ड प्लास्टिड. दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हम वाइट या फिर कलर्डस प्लास्टिड्स भी बोल देते हैं. अब सेकेंड पॉइंट क्या है कि ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल भी हो, तो ऐसे क्रोमोप्लास्ट को हम क्लोरोप्लास्ट बोल देते हैं. ठीक है, ऐसे क्रोमोप्लास्ट को हम क्लोरोप्लास्ट बोल देते हैं. और अब आप ये देखिएगा कि वो जो क्लोरोप्लास्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, फूड प्रिपरेशन बाई प्लांट्स. ठीक है, तो उस प्रोसेस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लोरोप्लास्ट का. अब जो क्लोरोप्लास्ट है, क्या उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर का ही पिगमेंट होगा, हम कहेंगे नहीं, उसके अंदर येलो और ऑरेंज कलर का पिगमेंट भी होता है. ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हुआ प्लास्टिड्स का. थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट. तो ल्यूकोप्लास्ट जो है, ल्यूकोप्लास्ट प्राइमरी ऑर्गेनेल्स होती है जिनके अंदर तीन तरीके की चीज़ें स्टोर होती हैं, ऑयल, स्टार्च एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स. तो ये स्टोर होते हैं ल्यूकोप्लास्ट के अंदर. उसके बाद जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ल्यूकोप्लास्ट का, वो कुछ इस तरीके का होता है कि उसमें न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स होती हैं, मतलब बहुत सारी पतले पतले मेम्ब्रेन की लेयर्स होती हैं, एंड दे आर एम्बेडेड इन अ स्ट्रक्चर, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रोमा. तो वो स्ट्रोमा के अंदर एम्बेडेड होती हैं, सारी की सारी फिक्स होती हैं. अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसका देखिए, दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. मतलब बाहर से देखें तो ये जो स्ट्रोमा है ये हमको कुछ कुछ माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही दिखाई देता है ना. लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो ये प्लास्टिड्स होते हैं, इनके भी खुद के राइबोसोम भी होते हैं और इनका खुद का डीएनए भी होता है. क्लियर है. बस ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ये चीज़. ठीक है, मतलब ये जो डीएनए है, डीएनए का शायद हमने पहले भी थ्योरी आपको बताया था, न्यूक्लियस वाले केस में हमने वहाँ इसको डीप में पढ़ा था. तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जब इनका खुद का ही क्रोमोसोम होगा और खुद का ही डीएनए होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये अपना जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब खुद बढ़ने के लिए, जैसे प्लास्टिड्स हैं, तो प्लास्टिड्स खुद बढ़ने के लिए अपने जैसे ही सेल जो है वो बनाते रहेंगे, क्योंकि उनका खुद का डीएनए है, उनको पता है कि वो किस तरीके से बनना है. अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो ह्यूमन बॉडी में जो डीएनए है वो ये डिसाइड करता है कि आपके अंदर आपके फादर की कितनी करेक्टरिस्टिक्स हैं और मदर की कितनी करेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, और 50-50 होती है, क्योंकि जीन जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करता है. तो जो जीन्स आते हैं, एक फादर से आएगा, एक मदर से आएगा, जितने भी जीन्स हैं. और टोटल ये बोला जाता है जो क्रोमोसोम्स हैं, टोटल 26 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के. तो 26 जो हैबिट्स हैं, उसमें आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी आ गया, बॉडी स्ट्रक्चर भी आ गया, और आपका जो हेयर है उसका कलर आ गया, आपकी स्किन का कलर आ गया, आँखों का कलर आ गया. ठीक है, तो वो जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो पेरेंट्स से ही आती हैं. तो उसी तरीके के जो क्रोमोसोम्स हैं, ऐसा नहीं होता कि अभी हम जो छोटे हैं तो छोटे में तो हम इंसान जैसे लग रहे हैं, धीरे धीरे बड़े होते गए तो हमने हाथी की शेप ले ली, हमने मतलब लायन की शेप ले ली, ऐसा नहीं होता ना. क्योंकि खुद का ही डीएनए है, तो वो जो डीएनए है वो उसी के जैसे सेल्स धीरे 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 डेवलप करने लगे. ठीक है. हाँ जी, हाँ बोलो. तो जो देख रहा है, मुझे लगा कि इसकी तरफ से आवाज नहीं. जो प्लास्टिड जो वो अपने सेल बनाते हैं अपने जैसे, तो उनके भी इनबिल्ट होते हैं. ये प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड्स के खुद का ही राइबोसोम होता है, खुद का डीएनए होता है. तो वो कितने छोटे बच्चे. नहीं नहीं, प्लास्टिड्स तो प्लांट सेल है ना. हां, वो मतलब कितना भी छोटा क्यों ना हो, प्लास्टिड है. हां, क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली क्रोमोप्लास्ट जो है, अगर मान लीजिए हम ये बात करें कि कोई ऐसा क्रोमोप्लास्ट है जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, उसके अंदर क्लोरोफिल के अलावा कोई और
पिगमेंट है, क्लोरोफिल मतलब ग्रीन कलर के पिगमेंट को, ग्रीन रंग को, प्लांट्स का जो ग्रीन रंग है उसको क्लोरोफिल बोल देते हैं। तो वो ग्रीन कलर पिगमेंट नहीं है, उसके अलावा कोई भी पिगमेंट है तब तो उसको बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट, और अगर उसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल शामिल है तो उसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट की एक टाइप है। ग्रीन कलर का रीजन उसको क्या बताऊँ, मतलब अब ये चीज तो ऑब्जर्वेटरी है कि ऑब्जर्व किया तो पता चला। हाँ जी, अगर क्लोरोफिल होगा ही नहीं तो प्लांट ग्रो कैसे करेगा, वो बहुत बढ़िया होना। लेकिन हमने ये कहा कि क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल प्लांट्स के, जैसे हमने ये पढ़ा था कि प्लांट्स की ना लीव्स में होता है क्लोरोफिल। तो जब हम लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स जितने भी प्लांट्स हैं सबकी ग्रीन ही होगी। ठीक है, तो लीव्स में ही फूड प्रिपरेशन होता है, फिर फूड वहाँ से ट्रांसफ़र होता है। अब जो प्लांट है, प्लांट का पार्ट तो फ्लावर भी है। ठीक है, लेकिन फ्लावर सारे ग्रीन कलर के तो नहीं होते। ठीक है, तो जो फ्लावर है उसके अंदर जो प्लास्टिड्स मौजूद है उसमें क्रोमोप्लास्ट है, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ठीक है, उसको न्यूट्रिशन जो है, वो न्यूट्रिशन जो है वो लीव्स से मिल रहा है। ठीक है, और वो जो लीव से जो न्यूट्रिशन जाता है वो दो तरीके की ट्यूब्स होती है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो उनके थ्रू जो है, जाइलम के थ्रू वाटर आएगा, फ्लोएम के थ्रू न्यूट्रिशन आता है। तो मतलब जो प्लास्टिड्स हैं, जो क्लोरोप्लास्ट है, वो नेसेसरीली लीव्स के अंदर मौजूद होगा ही होगा, स्टेम के अंदर मौजूद होगा ही होगा। आप ये देख लें, नीला पीला रंग बिरंगे कलर के स्टेम्स नहीं होते, स्टेम्स सभी के एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो चाहे आप किसी रोज़ की बात करें तो येलो रोज़ हो, रेड रोज़ हो, कैसे भी कलर का रोज़ हो, तो सबका जो स्टेम है वो एक ही कलर का। तो जो स्टेम हो गया, जो लीव्स हो गया, उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, उसके अलावा फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, तो उसके अंदर जो है क्रोमोप्लास्ट होगा। ठीक है, वो क्रोमोप्लास्ट होगा, सिर्फ ग्रीन को छोड़कर कोई भी और कलर होगा वो क्रोमोप्लास्ट होगा। सिर्फ ये बताया गया यहाँ पर कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर थोड़ा बहुत येलो, थोड़ा बहुत ऑरेंज कलर भी मिल जाता है। ठीक है ना, आपने देखा होगा कुछ ऐसे खूबसूरत से गमले आते हैं, ऐसे ऐसे पौधे आते हैं कि उनमें ना जो उनकी जो लीव्स हैं, उनकी लीव्स मतलब प्योरली ग्रीन कलर की नहीं होती, उस पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने छींट लगी हुई, स्प्रे हो रखा हो। तो ऐसे कलर की भी लीव्स, मतलब ऐसे कलर का भी पौधा आता है। तो उसमें क्लोरोफिल में क्या क्या मिक्स होगा, कौन कौन सा कलर मिक्स होगा, वो क्लोरोफिल जो है उसका ख़त्म हो जाता है। दूसरा एक रीज़न तो ये हो गया, एक रीज़न, और दूसरा रीज़न ये हो गया कि जो उसकी रूट्स हैं, उसकी रूट्स किसी तरीके से डैमेज हो गए। ठीक है ना, रूट्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया ऐसे। हाइब्रिडाइजेशन तो वो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो, अभी तो जैसे आप 9th क्लास में 10th क्लास में आप पढ़ेंगे उसको, लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। उसमें ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पौधा है, पता नहीं पहले मैंने कभी एग्जाम्पल दिया था या नहीं, कि येलो कलर की कैप्सिकम देखी, शिमला मिर्च येलो कलर की। ठीक है, तो वो ऐसे ही करा जाता है कि शिमला मिर्च का ओरिजिनल पौधा होता है और उसकी स्टेम को काट देते हैं, तो जड़ तो शिमला मिर्च वाली ही होती है, मतलब जड़ तो वही होती है, जड़ से तो पौधा वही है, और उसके ऊपर स्लांट शेप में यानी कि ऑब्लिकली एक एंगल पर काटा जाता है, सेम एंगल पर एक जो गुलाब का पौधा है उसको काट दिया जाता है जिस पर येलो फ्लावर आते हैं, जिस पर येलो रोज आते हैं, और उसको उस पर लगाकर और उसके ऊपर रस्सी से बांध दिया जाता है। फिर जो भी वो उसको धीरे 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 ड्रिप इरीगेशन सिस्टम से थोड़ा थोड़ा पानी देते रहते हैं, कांच का जो कंटेनर है उसके अंदर ऐसे गमले को बंद कर देते हैं। वो जानते हैं ना कांच के अंदर जो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसमें, कि वो जितनी भी एनर्जी है, सन से निकलने वाली जितनी भी एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और एटमॉस्फेयर की हार्मफुल गैसेस को नहीं लेगा, उसके डेवलप होने के लिए वो ज़रूरी है। और जैसे ही ये लगता है कि हाँ अब इस पर एक छोटा सा शिमला मिर्च का वो आ गया है और अब ये ग्रो करना शुरू कर रहा है, तो उसको 2 दिन या 3 दिन में थोड़ा सा ऑब्जर्व करके कि ये प्रॉपरली ग्रो कर रहा है नहीं, और फिर धीरे 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 एक एक शेल्फ हटाया जाता है उसका, मतलब जो ग्रीन हाउस चैम्बर होता है तो उसका एक एक ग्लास का जो चैम्बर है उसका एक शेल्फ हटा दिया बारीक सा स्लाइड, फिर दूसरा हटा दिया, फिर तीसरा हटा दिया, फिर धीरे धीरे ऑब्जर्व करा जाता है कि हाँ ये ग्रो कर रहा है,
जैसे ही दिखाई देता है कि हाँ ये ग्रो कर गया, तब उसको ओपन एटमॉस्फेयर में रखा जाता है, और फिर जब और कुछ दिनों में ओपन एटमॉस्फेयर में वो गमला ग्रो कर जाता है तो फिर उसको जड़ के साथ निकाल कर और फिर मिट्टी में लगा दिया जाता है, और फिर जो अगली जितनी भी उसके अंदर जितनी भी कैप्सिकम आएंगी सारी येलो कलर की आएंगी। तो आप अगर कैप्सिकम कभी ख़रीदने जाएँ तो आप देखेंगे कि ठेले वाले के पास रखिए, हाँ भैया ये वाली जो है ना, ये वाली तो आपको 10 रुपये पाव मिलेगी, और जो ये वाली है 30 रुपये पाव, एकदम सीधा 3 गुने का अंतर। वो 3 गुने का अंतर इस वजह से क्योंकि उसको बहुत केयर से बहुत नर्चर करा है, जिस भी किसान ने करा है तो उसको नर्चर करके और फिर उसके बाद में प्लांटेशन उसका करा गया, ठीक है ना। तो उसमें टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और टाइम के साथ साथ कई बार लॉस भी हो जाता है कि आपने बहुत सारे पौधे तैयार करें, 10 पौधे तैयार करें, पता चला 3 या 4 तो डैमेज ही हो गए, ख़त्म नहीं हो, ठीक। तो वो जो चीज़ है वो हाइब्रिडाइजेशन वाली है। हाँ, उसका भी यही, और रेडरोज़ ये एक्चुअली क्या है ना कि मैं सिर्फ उतना ही बता पा रहा हूँ आपको जितना 11th-12th क्लास तक के सिलेबस में है, जो मतलब बॉटनी होती है और एडवांस लेवल की, उसमें तो और न जाने क्या क्या चीज़ें होती होंगी, उतना तो ज्ञान मुझे भी नहीं है, है ना। तो वो तो बोटैनिकल एक्सपर्ट्स जो हैं वही बताएंगे और न जाने किस किस तरीके के रिसर्चेज होते हैं। ये तो आपने एक बहुत अच्छी चीज़, ये तो देखा ही होगा स्प्राउट्स निकल जाते हैं, स्प्राउट्स तो आपने देखे ही होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ऑक्सीजन की हेल्प से ही स्प्राउट्स निकलते हैं, उनको रूट्स की ज़रूरत नहीं होती, और फिर उनको आप जब वो स्प्राउट्स निकल गए, घर में कोई गमला पड़ा हुआ हो उस गमले में उसको डाल दो और फिर उसके बाद देखो छोटी छोटी मूंग की जो दाल है वो उतने ही उसमें निकल आएगी आपके पौधे में, वो छोटा सा है। पर अगेन उसमें ना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, इन्वेस्टमेंट मतलब टाइम का इन्वेस्टमेंट, पैसे की इन्वेस्टमेंट की नहीं, मतलब उसमें क्या करते हैं लोग कि जो जिनका काम ही है, जो प्रोफेशनल है इस फील्ड के, आपने देखा होगा कभी भी आप किसी नर्सरी पर चले जाएं तो वहाँ पर जब भी आपको माली मिलेगा तो माली के एक हाथ में स्प्रे बॉटल जरूर होगी। वो बेचारा क्या करता रहा, तो देखता रहता है कि हाँ इसमें थोड़ा सा ना मॉइस्चर कम हो रहा है तो कुछ कुछ उस पर थोड़ा सा कर दिया, इस पर थोड़ी सी ज़रूरत है तो उस पर कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो कभी भी आप किसी माली के यहाँ पर जाकर देखेंगे तो उसके सारे पौधे जो है वो हरे भरे दिखाई देंगे एकदम बढ़िया, हाँ गीले भी रहते हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा जिस जिसको जितनी जितनी ज़रूरत है, आप कभी भी किसी भी माली से बात करते हैं कोई पौधा देते हैं तो वो बता देता है भैया इसमें तो रोज़ पानी डालना, इसमें आप 2 दिन या 3 दिन में पानी डालना, तो उनको नॉलेज है, प्रैक्टिस कर करके सीख गए, और बाकी प्रॉपर ये सब्जेक्ट भी होता है आजकल, तो और भी आ गए माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी सुनिए कि नहीं सुना, माइक्रोबायोलॉजी बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। जो बच्चे 10th क्लास के बाद में बायोलॉजी लेना चाहें तो माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जिसमें क्लोनिंग वगैरह भी सिखाई जाती है। क्लोनिंग समझ रहे हैं, क्लोनिंग, हाँ CLONE क्लोन तो सुना है। तो क्लोनिंग पर ना जाने कितने रिसर्चेस चल रहे हैं, सुना ये है कि रजनीकांत अपना क्लोन बनवा रहा है, मालूम है कि नहीं। क्लोन मतलब अपने जैसे ही एक और रजनीकांत तैयार हो जाएगा बिल्कुल सही, कि मेरे को अपने क्रोमोसोम बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी चाहिए, ठीक है एग्जैक्टली मेरे को अपनी फोटोकॉपी तैयार करवानी है एक और। तो भगवान को चैलेंज करने वाली बात है, वो क्लोन कितने सक्सेसफुल होंगे कितने नहीं, लेकिन लोग रिसर्चेस तो करिए, काम तो करिए। अच्छा अब उसके बाद देखिएगा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में क्या है, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। तो स्टोरेज सैक्स, ये SACS वाला सैक्स है, यानी कि इसको बैग बोलते हैं बायोलॉजी में। SAC सैक का मतलब होता है बैग, है ना। तो वैक्यूल जो है वो स्टोरेज बैग होते हैं, स्टोरेज करने वाले बैग्स होते हैं छोटे छोटे। तो इसके अंदर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट स्टोर होता है वैक्यूल्स के अंदर। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स, व्हाइल प्लांट सेल्स आर वेरी लार्ज वैक्यूल्स। तो स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स व्हाइल प्लांट सेल्स आर वेरी लार्ज वैक्यूल्स, ऐसे भी समझ में आ रहा है कि ऐसी कोई चीज़ जिसके अंदर जो है सॉलिड और लिक्विड कंटेंट सब इकट्ठा करें, तो एनिमल का तो एक साइज है ना प्रॉपर, इतना बड़ा कुछ। जिराफ बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन जिराफ अगेन प्लांट से बड़ा तो नहीं होता ना। जो हम ट्रीज़ की बात करेंगे तो ट्रीज़ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक। तो जो प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स जो हैं, वैक्यूल्स का साइज़ भी बड़ा होगा, और एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स का साइज़ छोटा होगा। उसके बाद इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स जो हैं आर फुल ऑफ सेल सैप,
तो प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स हैं फुल ऑफ सेल्स हैं, मतलब उसके अंदर पूरे में सेल भरे हुए होंगे। आईडीपी का मतलब क्या होता है? आईडी पासवर्ड, आईडीपी। मुझे पता ही नहीं है कौन। कैन यू सेंड द आईडीपी और लिंक ऑन दिस नंबर? किलर गेमर, किलर गेमर कौन है? आपके बैच में है कोई किलर गेमर? वाह, कौन सा गेम था बच्चे? गेम पबजी बैन हो गया? फ्री फायर। स्पेलिंग बोलो नहीं आ सकता। F R डबल E F I R E फ्री फायर। हाँ ये तो मैं बोल रहा हूँ। एक BGMI भी तो है। BGMI का नाम सुनते देखो इसके चेहरे पर कैसी चमक आएगी। नहीं तो बेचारा चुपचाप बैठा रहता है, कुछ बोलता है। कॉल ऑफ ड्यूटी इन्हीं सब चीज़ों के लिए बच्चे मोबाइल फोन्स की जिद करते हैं। पापा को मोबाइल चाहिए, इस बार तो दिला दो प्लीज। इन प्लांट सेल्स, इसको फोन करूंगा इनके क्लास के बाद। कौन है किलर गेमर? गेम खेल खेल कर ही किल कर दे रहे हैं। कुछ किलर गेमर ऐसे भी हैं जिनकी अभी 10th में 12th में कंपार्टमेंट आ गई है ना, अब करेंगे बैठ कर किल, टाइम किल। मैनी सब्सटेंसेज ऑफ इम्पॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। दीज इंक्लूड्स अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। कुछ जो सब्सटेंसेज हैं जो लाइफ के लिए, प्लांट सेल की लाइफ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी जो है वो सब्सटेंसेज भी वैक्यूल्स के अंदर ही स्टोर होते हैं। दीज इंक्लूड अमीनो एसिड्स, शुगर्स और ऑर्गेनिक एसिड्स और कुछ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स और आपकी शुगर्स, ये सारी भी वैक्यूल्स के अंदर ही स्टोर होते हैं। वैक्यूल्स का देखिएगा, सबसे पहली चीज़ हमने क्या करी कि ये स्टोरेज बैग होते हैं जिनमें सॉलिड और लिक्विड कंटेंट स्टोर होते हैं। ठीक है, प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स के अंदर जो ये वैक्यूल्स हैं ये स्मॉल साइज़ के होते हैं, और जो प्लांट सेल्स हैं प्लांट सेल्स में बड़े साइज़ के होते हैं। दूसरा हमने देखा कि प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स हैं उनमें पूरे में सेल भरा हुआ होता है, और इसी से क्या प्रोवाइड होता है प्लांट सेल को? टर्जिडिटी भी और रिजिडिटी भी। टर्जिडिटी और रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब मुड़ेगा नहीं ज़्यादा, है ना, स्ट्रॉन्ग के मतलब पुष्पा है, झुकेगा नहीं। ठीक है, और टर्जिडिटी, टर्जिडिटी मतलब स्ट्रांगनेस। ठीक है, ऐसे करते हुए आगे देखते हैं। मेनी सब्सटेंसेज ऑफ इंपॉर्टेंस इन लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। तो बहुत सारे सब्सटेंसेज ऐसे हैं जो वैक्यूल्स के अंदर ही स्टोर होते हैं, जैसे प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स और आपका ये शुगर्स। उसके बाद देखिएगा, हाँ जी, ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल जैसे हम दही खाते हैं ना, दही तो लैक्टिक एसिड होता है दही का। ठीक है, नींबू, संतरा, उसके अंदर सिट्रिक एसिड। तो उसके अंदर बहुत सारे जर्म्स दिखाई देंगे, अगर देख लिया गौर से तो नेक्स्ट डे कभी दही खाओगे नहीं। यही बात कर मम्मी ने बताया कि दही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खाओ उसके लिए, वो बॉडी के लिए अच्छा है। नहीं, वो मतलब नीडफुल जर्म्स है, हार्मफुल जर्म्स नहीं है, वो जंक फूड वाले जर्म्स नहीं है। ठीक है, तो कहाँ का खा लिया था? वीर जी मलाई चाप वाले, इधर भी। एक दिन पता नहीं मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया था, तुम थी नहीं उस दिन क्लास में। वो था अंडे मार्केट वाला। बस पूछो मत, पूछो मत, देख कर उल्टी आ गई। इसको दही को नहीं, दूध को। नहीं तो वो तो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, उसमें जम्स नहीं मिलेंगे, उसमें जम्स नहीं होते। उसमें क्या होता है कि उसमें मिल्क सॉलिड अलग हो जाता है और जो उसका जो लिक्विड कंटेंट है वो अलग, वो ऐसा। अच्छा,
और इमली, इमली में टैमरिंड, उसमें होता है टार्टारिक एसिड, ठीक है, और ये भी ऑर्गेनिक एसिड का एक एग्जांपल है। और होता है टमाटर, टमाटर का कौन सा होता है उसके अंदर, टमाटर के अंदर भी एसिड होता है, खट्टापन होता है हल्का सा टमाटर का, मीठा तो नहीं होता। ऑक्जैलिक एसिड उसके अंदर होता है, ऑक्जैलिक एसिड। और विनेगर एसिडिक एसिड। एक और चीज़ भी होती है चीटी एंड स्टिंग, चीटी काट, चीटी ने काटा कभी, हाँ चीटी काटती है तो बड़ी तेज एकदम जलन होती है जब वो काटती है, ठीक है, तो अब वो यार स्मेल नहीं आ रही, बड़ी गंदी सी। क्या बहुत पहले की आ रही है, बंद करो पता नहीं नाले की स्मेल आ रही है कहाँ से, कूड़े की है, हाँ कूड़े की है। सर एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन, एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का एग्जांपल है जबरदस्त, यहाँ पर हम बैठे हैं लोअर कंसंट्रेशन में, उधर कूड़े का हायर कंसंट्रेशन है, तो कूड़ा इधर की तरफ अपनी स्मेल ट्रांसफर कर रहा है। अब ये अंदर घूम गई है स्मेल, अभी भी है। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा द फूड वैक्यूम कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज कंज्यूम्ड। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे कि अमीबा, उसमें फूड वैक्यूम में वही फूड आइटम होगा, वही आइटम होगा जो अमीबा ने खाया है। एक ही तो सेल है बेचारे के पास, एक ही चुपचाप छोटा सा वैक्यूल होगा, उस वैक्यूल के अंदर क्या होगा, एक ही फूड पार्टिकल जो उसने खा लिया, कोई पत्ता या कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा कुछ खा लिया वो। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं, दे आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। तो उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं जो एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर निकालने के काम आते हैं, दूसरा बॉडी से कुछ वेस्ट को भी बाहर निकालने के काम आते हैं। क्या नहीं होता, हाँ नहीं दिखाई देता। अच्छा नहीं, वो तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चींटी तो बहुत बड़ी हो गई उसके सामने, मतलब उससे भी छोटा कुछ। न्यू सेल्स आर फॉर्मड इन, और अच्छा ये वाला जो टॉपिक है इसे जो हेडिंग है ना वो बिल्कुल नीचे लिखी हुई है उससे पहले वाले में, सेल डिवीजन। कौन सा, साइटोस्फीयर, पता नहीं कहाँ पर देखा, कहाँ पर सुना, बताओ कहाँ लिखा। ये सब चीजें कुछ नहीं, मुझे भी देखना पड़ेगा, मुझे मालूम। अच्छा ये तो नीचे कंडीशन भी है ना जिनकी वो भी आती है एग्जाम आइडिया। New cells are formed in organisms in order to grow, to replace old, dead and injured cells and to form gametes required for reproduction. So new cells जो हैं वो organisms में बनते हैं धीरे धीरे, in order to grow करने के लिए, replace old, dead and injured cells, कुछ old cells को, कुछ damaged cells को, कुछ dead cells को, उन सबको जो है रिप्लेस करने के लिए भी नए सेल्स बनते हैं, एंड टू फॉर्म गैमेट रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स चाहिए होते हैं वो गैमेट्स होते हैं, उनको गैमेट्स बोलते हैं। उसके बाद देखिए द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इन न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिविजन। जिस प्रोसेस में नए सेल्स बनते हैं पुराने एग्जिस्टिंग सेल्स से, उसको सेल डिविजन बोलते हैं। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ, हाइड्रा
हाइड्रा सेल डिवीजन का एग्जाम्पल। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मायोसिस। माइटोसिस के एग्जाम्पल है स्पेलिंग है MITOSIS और मायोसिस के MEIOSIS, ठीक है MEIOSIS। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाई विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोसेस जो ज़्यादातर जो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस चलता है, जो मेजॉरिटी ऑफ सेल डिवीजन जो होता है जिस प्रोसेस में, उसको बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में एक बड़ा सेल होता है, जैसे आप ये देखेंगे ना यहाँ पर एक बड़ा सेल है, तो इस बड़े सेल को क्या बोलेंगे, मदर सेल बोलेंगे। और इस मदर सेल के ही दो पार्ट्स हो जाएंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो आप ये देखिए कितने थे इसके अंदर, इसके अंदर हर एक के पेयर नजर आ रहा है आपको, 1 2 3 4, मतलब जैसे कि एक सेल है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है ना कि दो टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है, ऐसे इसके भी दो पार्ट्स हो रहे हैं, इसके भी दो पार्ट्स, इसके भी दो पार्ट्स, टोटल काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो चार इधर चले गए, चार इधर चले गए, ठीक है ना। तो ये माइटोसिस हो गया। अब बात करेंगे मायोसिस की। इसमें है स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स। दे डिवाइड बाई अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मायोसिस विच इन्वॉल्व्स टू कॉन्सिक्यूटिव डिविजन्स। तो इसमें दो कॉन्सिक्यूटिव डिविजन होते हैं कि ये जो मदर सेल है, मदर सेल में से निकले दो डॉटर सेल, और फिर जो ये दो डॉटर सेल हैं ये भी डिवाइड होते हैं, तो इसमें से भी दो और निकले और इसमें से भी दो और निकले। तो मायोसिस एक बड़ा प्रोसेस है सेल डिविजन का, ये छोटा प्रोसेस है, ठीक है। तो व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मायोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। तो मायोसिस में दो सेल्स प्रोड्यूस ना होकर चार सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ द मदर सेल। मदर सेल में, मदर सेल में आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, है ना, और इसमें कितने हैं, दो, तो मतलब हाफ होते हैं क्रोमोसोम्स। अच्छा ये जो कलर्ड है, अच्छा ये चीज़ जो अलग है, इसका कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है, ये बस इन्होंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए बताया कि यहाँ के सेल ये अलग है, ये अलग सेल है, तो अलग तरीके का कलर कर दिया। आप अगर पेपर में डायग्राम बनाएंगे तो आप एक में पेंसिल से शेड कर देना, एक में शेड मत, ठीक है। तो भाई ये आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर था, जितना इसमें इतना जरूर लर्न कर लेना। हाँ जी सर, माइटोसिस क्या आएगा, बाइनरी में क्या होता है, एक में से दो बनते हैं, है ना, तो दो बन रहे हैं तो दो तो माइटोसिस में ही होता है, उसमें भी दो बन रहे हैं तो ये मल्टीपल बाइनरी का रहेगा, ये मल्टीपल बाइनरी का रहेगा कि इधर टू, फिर टू में से टू, फिर इसमें से टू, ऐसे, ठीक है। चलिए जी फिर आज इतना ही करते हैं, ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट है, इतने जरूर लर्न कर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं है ये नोट्स में, ठीक है, तो इतना जरूर लर्न कर लेना। चलिए जी, ओके।